और ओपिनियन पोल में 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बंपर बढ़त मिलते नजर आई। एनडीए को 411 सीट का अनुमान। कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। 105 सीटों पर सिमट सकता है एनडीए गठबंधन। अन्य दलों के खाते में 27 सीट संभव। मोदी से मुकाबले में राहुल गांधी पीछे छूटे हैं। एमपी राजस्थान में एनडीए का सफाया हो गया है। यूपी उत्तराखंड में गठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका संभव है। एनडीए को 411, एनडीए को 105 और अदर्स को 27 सीटें जाती हुई नजर आ रखी हैं। तो चुनावी इतिहास का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। तो ऐतिहासिक हो सकते हैं 2024 के नतीजे। बीजेपी को ऐतिहासिक 350 सीटें संभव है। बीजेपी के सहयोगी दलों को 61 सीट का अनुमान। कांग्रेस सिर्फ 49 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस के सहयोगी दलों को 56 सीट संभव। बीजेडी 8, वाईएसआर 7, अन्य की 12 सीट पर जीत संभव। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी 350, इंडी साथी 61, कांग्रेस को अकेले 49 सीट मिलती नजर आ रही है। इंडी के साथियों को 56 सीटें और बीजेडी को 8, वाईएसआर को 7, अन्य को 12 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी, मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है और साथ ही 400 का आंकड़ा सिर्फ बीजेपी के ही खाते में नजर आ रहा है। जाता हुआ 350 सीटों का अनुमान है सिर्फ बीजेपी के खाते में। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को 61 सीटें जाती नजर आ रही हैं। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 411 सीटें, कांग्रेस के खाते में कुल 49 सीटों का अनुमान। एनडीए गठबंधन के खाते में 56 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल बयान के खाते में 27 सीटें। यूपी में एनडीए को 80 में से 77 सीटों का अनुमान। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी बंपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल में। 10 बड़ी बातें मेगा ओपिनियन पोल की हम आपको बता रखे हैं। बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं, एसपी और बीएसपी कितनी सीटों पर सिमटती नजर आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ओपिनियन पोल में बीजेपी की बंपर जीत होती हुई नजर आ रही है। 21 राज्य 500 प्लस सीट, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपको हर एक सीट की जानकारी दे रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, 10 बड़ी बातें भी बता रहे हैं इस ओपिनियन पोल की, जहां पर एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है और 400 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। सिर्फ बीजेपी के खाते में 350 सीटों का अनुमान जाता नजर आ रहा है। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को 61 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 411 सीटें, कांग्रेस के खाते में कुल 49 सीटों का अनुमान। एनडीए गठबंधन के खाते में 56 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 27 सीटें। यूपी में एनडीए को 80 में से 77 सीट जाती नजर आ रही है। तो बीजेपी के खाते में 350, एनडीए साथी 61, कांग्रेस को अकेले 49 सीट, एनडीए साथी को 56 सीटें, बीजेडी को 8, वाईएसआर को 7 और अन्य के खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ बीजेपी के खाते में 350 सीटों का अनुमान। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को 61 सीट। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 411 सीट, कांग्रेस के खाते में 49 सीटों का अनुमान। एनडीए गठबंधन के खाते में 56 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 27 सीटें। यूपी में एनडीए को 80 में से 77 सीटों का अनुमान। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पे बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है ओपिनियन पोल में। और उत्तराखंड की 5 सीटों का ओपिनियन पोल भी आपको बता दें। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन का जलवा नजर आ रहा है और एनडीए का खाता तक नहीं खुल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, उत्तराखंड का क्या हाल है। एनडीए गठबंधन का जलवा है, एनडीए गठबंधन का खाता तक नहीं खुल पाया है। उत्तराखंड की 5 सीटों का ओपिनियन पोल में एनडीए का जलवा नजर आ रहा है और एनडीए का खाता तक नहीं खुलता नजर आ रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये देखिए, बीजेपी को 5 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
ग्राफिक्स के माध्यम से हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इंडी गठबंधन का खाता तक नहीं खुल रहा। ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को बंपर बढ़ा, तो ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीट, एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट, ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। एक तरफ आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड का हाल बता रहे हैं, 5 से 5 सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल में यूपी में भी बीजेपी को बढ़त मिलती है। अभी फिलहाल उत्तराखंड का हाल आपको बता रहे हैं, 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बंपर जीत बीजेपी की होगी, ये ओपिनियन पोल बताता हुआ उत्तराखंड का हाल नजर आ रहा है। और इंडी गठबंधन और कांग्रेस का पूरी तरह से हाल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जो देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, आपको हर एक जानकारी हम दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को भी बंपर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीट, एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट। तो उत्तराखंड का हाल हमने आपको बताया, लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरे करते रहते हैं उत्तराखंड में, जिसकी वजह से जो जमीनी जुड़ाव है पीएम का काफी ज्यादा है उत्तराखंड वासियों से। अब यूपी का हाल आपको बता दें, ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को बंपर बढ़त मिलती नजर आ रही है और ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीट जाती नजर आ रही है। एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें, ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, अब तक ऐसा जो नहीं हुआ ओपिनियन पोल में, ऐतिहासिक ओपिनियन पोल न्यूज 18 लेकर आया है आपके लिए। हर एक जानकारी, सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं पर एनडीए को 77 सीटें मिलती नजर आ रही है। बंपर जीत ओपिनियन पोल में यूपी बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश का हाल हम आपको बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को बंपर बढ़ा, तो ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीटें, एसपी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी, ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट। अब वोट शेयर की बात कर लेते हैं। कुल 80 सीट है, एनडीए को 57% वोट, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 26% वोट और अन्य को 17% वोट मिलता नजर आ रहा है यूपी में, अगर वोट शेयर की बात करें।